तुम्हारी ये शक्ल देख के ना मुझे उस स्वर्गवासी प्रज्ञा की याद आती है। और तुम्हें देखकर मुझे हमें वो पिक्चर है ना खून भरी मांग वो याद आता है। वो आती है बदला लेने और किसी को पता ही नहीं चलता। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रज्ञा वापस आएगी मुझसे बदला लेने। जन्म के बारे में सुना ही होगा ना तुमने। सुना तो है पर पुनर्जन्म लेके बड़ी होके मुझसे बदला लेने आएगी 20-22 साल नहीं लग जाएंगे। अगर वो मरी ना तो और अचानक तुम्हारे सामने आ जाए। अगर अचानक फिर से मेरे सामने आ गई तो मैं दोबारा उसे मार डालूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। करना होता तो चुप क्यों हो? बताओ मौका का इंतजार कर रहे हैं। मौका आएगा तो दे देंगे जवाब। तुम मुझे जवाब दोगी? हम नहीं देंगे। ऊपर वाला उसकी लाठी में आवाज ही नहीं होती। ऐसी लाठी पड़ेगी कि तुम ना यहाँ की रहोगी ना वहां की। स्टूपिड उसे हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करो। हे भगवान किसी भी तरह वो फाइल पूरब के हाथ आ जाए। उस आलिया ने भी तनु को चुप करवा दिया। मेरे साथ बातों में उलझी रहती तो उनका ध्यान पूरब और दिशा की तरफ जाता ही नहीं। बस अब ये आखिरी बार इस घर में खाना खा रहे। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए फिर ये एक एक दाने के लिए तरस जाएंगे। दिशा तुम आलिया और तनु पे नजर रखना। मैं वो फाइल उठा लूं। क्या हुआ पूरा? क्या चाहिए? भाभी वो मेरी फाइल नहीं मिल रही थी वो ऋषभ के कॉन्ट्रैक्ट वाली तो मुझे लगा कि यही है। ये तुम्हारी नहीं राज की फाइल है ना राज? ये आपकी फाइल है ना? हाँ हाँ टेबल पे रखी थी ना। हाँ मेरी है। सॉरी भैया वो मुझे लगा कि मेरी फाइल है। या हाँ चलो मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आपने नाश्ता खत्म किया? हाँ नाश्ता हो गया मेरा अभी। और पूरा ख्याल रखा करो यार इम्पोर्टेंट फाइल्स का। जल्दी आइएगा। यस पूरा दिशा खड़े क्यों हो बेटा? आओ ना नाश्ता करो। आप जी दादी चलो तनु लेट्स गो। कमाल है दीदी ये नाश्ता करने बैठी थी और बिगर नाश्ते की चली गई। अरे रुको तो सही। मुझे रुकना नहीं है सब सिर्फ आगे भागना क्योंकि आगे मेरा फ्यूचर दिख रहा है। नो पर तुम चल भी तो सकती हो। भागना जरूरी है क्या? भागना तो पड़ेगा ना तनु। अगर मैं यहाँ पर रही तो इन लोगों की शक्ल देख देख के ना मुझे और गुस्सा आता रहेगा। स्पेशली इस पूरब और दिशा को साथ में देखती हूँ तो मेरे अंदर आग जलती है समझी। आइए पूरब और दिशा सिर्फ आज दोपहर तक है बस।
I can't waste any more time. एक एक मिनट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी भारराज भी अवेट कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ. God. Sorry. I'm so sorry. Actually मैं आदत नहीं है ना, ड्राइवर के साथ जाते हैं, so just slipped out of my mind. वैसे फाइल कहाँ पर है? So, thank God, मिताली भाभी ने बचा लिया, वरना ये फाइल डायरेक्ट पूरब के हाथ में जाती और हमारा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता. अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाता? इतनी मेहनत के बाद आज ये दिन आया, अब जो मंजिल सामने है ना, उसे छूने से हमें कोई रोक नहीं सकता. क्या चेक कर रही हो फाइल में? तुम्हारे नाम की जगह अपना नाम नहीं डाला, कुछ पेपर वेपर चेंज नहीं किए? हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही राज भैया, पर हाँ अब अगर आपने बोल ही दिया है तो आप ऐसा सोच रहे थे क्या? एक्चुअली तुम सही सोच रही थी, एक बार ऐसा सोच भी रहा, फिर सोचा कि यार तुम्हारे जैसा इंसान जो कि दूसरे का मुंह का निवाला छीन सकता है, वो खुद के मुंह का निवाला किसी और के हाथ में नहीं जाने देगा, तो तुम पेपर जरूर चेक करोगे. और अगर तुम नहीं भी करती ना, तो वो रजिस्ट्रार पेपर जरूर चेक करता. रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पर, पेपर्स किसी और के नाम पर, सब गड़बड़ हो जाता और किसी के हाथ में कुछ आता नहीं. बस वही सोचकर मैंने अपने आप को अपने शेयर्स के साथ में सेटिस्फाइड कर लिया. गुड थिंकिंग राज भैया, आप जानते हैं आपके इसी आइडियोलॉजी की वजह से ही तो हमने आपको अपनी तरफ किया है. क्यों तनु, ये बारिश कम होगी या नहीं? राज भैया आपने गाड़ी थोड़ी स्लो ही चलाना, ये बारिश बहुत तेज है. लाइफ में जो चाहा वो मुझे नहीं मिला, पर जो छीना वो आज मुझे मिलने जा रहा है. बहुत बार सुना कि मैं अब इस घर की बेटी नहीं, इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है, मुझे निकल जाना चाहिए. अब ये सब बातें वो सुनेंगे, हक उनका नहीं होगा, घर से अब उन्हें निकलना होगा जब मैं उस घर की नई ओनर बन जाऊंगी. सिंपल. किसी राह चलती लड़की से नहीं बात करियो, प्रज्ञा अरोड़ा से बात करियो जो इस घर की मालकिन. अब जो भाई का है वो सब मेरा होने वाला है. काश कि ये सब देखने के लिए प्रज्ञा जिंदा होती, पर शायद वो ऊपर से ये सब कुछ देख ही रही होगी और रो रही होगी. ये बारिश उसके बहते आंसू ही तो है. रो प्रज्ञा, जितना रोना है रो. जब पूरी मेरा फैमिली मुझे नहीं रोक पाई तो तुम्हारे ये आंसू भी मुझे नहीं रोक पाएंगे. तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो फाइल राज भैया की थी तो उस आलिया ने फाइल रखी कहाँ? हाँ, और वो दोनों जब बाहर निकली हैं तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं था. मुझे तो लग रहा है ना फाइल घर में है ही नहीं, उन्होंने कहीं बाहर छुपा के रखी हुई है. दिशा, मैं बोल रही हूँ तुमसे, आलिया उस फाइल को लेकर किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकती. वो फाइल उसके पास ही है और इसी घर में है, बस पता करना है कि वो रखी कहाँ है. हाँ, पर हमारे हाथ से टाइम भी तो निकला जा रहा है. एक बार रजिस्ट्रेशन ऑफिस खुल गया और रजिस्ट्रेशन हो गया ना, तो हमारे हाथ से अब नहीं, नहीं नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते. हमें उन्हें किसी भी हाल में रोकना होगा. पर कैसे रोकेंगे उन्हें? वो वहां गई है तो फाइल उन्हीं के पास होगी ना, तभी तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस गई है. क्यों भाई, कौन कहां चली गई, किसकी बात कर रहे हो? तो मेरे आने से तुम सब लोग चुप क्यों कर गए? यहाँ कुछ ऐसा सीक्रेट चल रहा है जो आप लोग हमें बताना नहीं चाहते. दीदी, पक्का ये लोग ना हमसे कुछ छुपा रहे हैं. एक्चुअली दासी, आप ठीक सोच रही हैं, हम लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि मुझे लगता है कि हमें आपको सब कुछ बता देना चाहिए. पूरब जी, आप नहीं. दिशा, बातें पीठ पीछे छुपाई जाती, सामने से नहीं. दरअसल बात यह है दासी कि प्रज्ञा दी, मैं इन लोगों के लिए कुछ प्लान कर रही थी. वो दादी देखिए ना, इन लोगों की अभी अभी शादी हुई है और ये वैसे करते हैं जैसे पता नहीं कितने साल हो गए शादी को. मतलब इनसे ज्यादा बोरिंग कपल मैंने देखा नहीं है. बोरिंग? हाँ, और नहीं तो क्या.
ये पूरब दिशा को लेकर कहीं बाहर ही नहीं जाता। हो सकता है हम सबको बोलने में उसे शर्म आती हो, इसलिए मैं इन दोनों से कह रही थी कि इन्हें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। मतलब नया नया रिश्ता है, थोड़ा रोमांस तो होना चाहिए था ना, इसलिए मैंने इन दोनों के लिए हनीमून प्लान करने का सोचा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रही है तुम। और प्रज्ञा की प्लानिंग कामयाब भी होनी चाहिए, वरना ये पूरब ना अपनी फैमिली प्लानिंग चालू कर देगा। प्रज्ञा तू कर बेटा कर, किसी की मत सुनना, अपनी मर्जी करना और भेजे इनको हनीमून पर। और ये दोनों ना ये तो इसी तरह शर्माते रहेंगे, लेकिन तू प्लानिंग करते हो शर्माना मत, जब प्लानिंग तैयार हो जाए तो हमें आके बता देना। चल आ, आ। दिया आपने क्या किया, मुझे बताने क्यों नहीं दिया दादी को? रोकती नहीं तो और क्या करती पूरा, ये छोटी बात नहीं है। हम तीनों इस बात को लेकर इतनी टेंशन में, दादी को पता चलता तो उनकी क्या हालत होती। एक तो वैसे ही हम सब उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं उनकी तबीयत की वजह से, इतनी बड़ी टेंशन नहीं दे सकते, उनकी तबीयत के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मैंने तुम्हें रोक लिया। पर दी आज ना कल उन्हें ये बात पता चल ही जाएगी, वहां वो आलिया रजिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए निकल चुकी है, हमारे हाथ से टाइम निकला जा रहा है। हाँ दी, और अगर वो दोनों रजिस्ट्रेशन कराने में कामयाब हो गई तो जो बात आपने दादी से छुपाई है ना, वो आकर खुद उन्हें बता देंगी। वैसे भी बहुत टाइम निकल चुका है, अब कोई चमत्कारी है जो आलिया के बढ़ते कदम रोक पाएगा, वरना एक बार रजिस्ट्रेशन ऑफिस खुल गया ना, हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। यार ये ट्रैफिक भी ना, अरे भाई साहब आगे पूरा पानी भरा हुआ है, आगे गाड़ी नहीं आएगी, आप यहाँ से घुमा लो। हाँ तो क्लियर करवाओ ना, बारिश को भी आज ही बरसना था। हम लेट हो रहे हैं आलिया, मुझे तो दिख ही नहीं रहा कि हम लेट हो रहे हैं। इस बात क्यों बोलती हो तनु, जस्ट बी पेशेंट यार। अरे क्या भैया, हॉर्न मारो ना, वहां से निकालो आप गाड़ी। और अब प्लीज ये मत कहना कि सब्र का फल भी मीठा होता है। तुम्हें सब्र करने को नहीं बोल रही हो, चुप रहने को बोल रही है। तो प्रोगी तो मैं कंसंट्रेट कर पाऊंगा ड्राइविंग पे। अच्छा ये मुझे वो पेपर्स दो ना, मैं वो अपनी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो पढ़ना चाहती हूं, प्लीज। नो, अरे दो ना। अरे आलिया दे दो ना, वो बच्चों को जैसे लॉलीपॉप देके चुप करवाते हैं ना, दे दो, क्या पता ये खुश हो जाए उस फाइल लेकर। ये जोक था? हां जोक था, बट इट्स नॉट फनी। कोई नहीं, तुम फाइल ले लो, उसी से फन करो, दे दो आलिया प्लीज। ये लो पकड़ो। ये पेपर्स ने मेरी नई जन्म कुंडली है, जिसमें अभी के साथ ना प्रज्ञा का नाम जुड़ा है ना ही मुन्नी का। बस आज शाम तक की दूरी है, फिर मैं पहले अभी से बदला लूंगी और फिर उससे अपना हक लूंगी। हे भगवान, आज कुछ चमत्कार हो जाए और आलिया किसी तरह ऑफिस पहुंच ही ना पाए। अगर ऐसा हुआ ना तो हमें कुछ मौका मिल जाएगा, वक्त मिल जाएगा वो फाइल ढूंढने का। भगवान भी कब तक मेरी मदद करेंगे, उन्होंने तब तक मेरा साथ दिया जब तक मैंने सच का साथ दिया, लेकिन जब मैंने खुद अपने पति को धोखा दिया तो भगवान मेरा साथ क्यों देंगे? मैंने इन्हें अंधेरे में रखा और अब मुझे हर जगह अंधेरा दिख रहा है, नहीं कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। थैंक गॉड आप सब यहाँ मिल गए, बड़ी चाची छोटी चाची और चाचू आप सबको इंदु दादी नीचे बुला रही है। इंदु दादी ने क्यों? वो बोल रहे थे उनको आपसे कुछ काम है, जल्दी आना। ओके जल्दी। दादी दासी अभी तो बात करके गए थे, उनको फिर से क्या बात करनी है? चलो चल के देखते, चलो पूरा। दिशा पूरा रख के जल्दी आओ, जल्दी। अरे जल्दी आ जाओ। आओ आओ बैठो। दीदी मैंने रात की बारिश देख के आपसे कहा था ना कि ऐसा ही होगा। हाँ बीजी,
बारिश तो कल से रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लगातार हो रही है। क्या हाल हो रहा है, हम अंदर बैठे हैं, बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं। अरे बाहर कोहराम मचा हुआ है। अजय जरा टीवी की आवाज और ऊंची करना। नमस्कार, खास खबरों में आपका स्वागत है। कल रात हुई भारी बारिश की वजह से मुंबई में हर जगह पानी भर चुका है। जल भराव के कारण यातायात पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। रेलवे ट्रैक्स और रनवे भी पानी में डूब चुके हैं, जिस वजह से काफी सारी ट्रेन और फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शहर का निचला हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। यहाँ लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, घर के अंदर भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज सभी स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस को बंद करने का ऑर्डर दिया है और लोगों को घरों में रहने की अपील की है। पर जो लोग ऑफिस के लिए आज सुबह घर से निकले हैं, उनका वापस आना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने भी 4:30 बजे तक हाई टाइड की चेतावनी दी है। ऐसे में लोग अपने घर जल्दी पहुंचना चाहते हैं, पर जब तक हालात सामान्य नहीं होते स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार। ये तो हर साल का हो गया है, मतलब बारिश आएगी तो मुसीबत लेकर आएगी। पापा जी, मैंने ना राज को बोला था कि आज ऑफिस मत जाओ, लेकिन मैंने कहा ना तो वो जानबूझकर ऑफिस गए। कितने लोग फंसे हुए रेलवे स्टेशन पर, जो लोकल मुंबई की लाइफलाइन होती थी, अब उसी की वजह से सब कुछ ठप हुआ हुआ है। मैं तो कहती हूँ जो लोग बारिश में फंसे हैं ना, सब लोग अपने अपने घर चले जाएं। उनके रिश्तेदार कितनी वेट करते होंगे, कितना फिक्र करते होंगे। हे भगवान, सुन अजय, अभी तो ठीक होगा ना? जी वो तो बेंगलोर गया हुआ है, बारिश तो यहाँ हो रही है मुंबई में। मिताली पुत्र, तू राज को फोन लगा, उसको बोल तू घर वापस आ जाए। अगर वो नहीं सुनेगा ना तो बोलना मैंने कहा है। जी पापा जी। और पूरा बेटा देख, तू भी ऑफिस मत जाना, सब लोग मेरी आंखों के सामने रहना, मुझे चिंता हो जाती है ना। जी दादी। मतलब वो लोग अब पेपर्स लेकर नहीं जा पाएंगे। रेखा दीदी, जैसे पैर पटकती हुई गई थी वैसे पैर पटकती हुई वापिस आ गई। काश कि इतनी बारिश हो जाए कि शहर की सारी गंदगी धुल जाए, मगर हाँ कुछ गंदगी ऐसी होती है जो कभी साफ नहीं होती। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर। अरे नो मोर क्वेश्चंस सर, प्लीज एक लास्ट क्वेश्चन सर, प्लीज सर। आप अपने आने वाले एल्बम के बारे में कुछ बताइए। जब आएगी उसके बारे में तब बात करेंगे। ओके एक्सक्यूज मी सर, पर्सनल क्वेश्चन है। पर्सनल क्वेश्चन? अरे आप मीडिया वाले कहा कुछ पर्सनल रहने देते हैं। एनीवेज इट्स ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, टेल मी सर, आपकी वाइफ के बारे में कुछ बताएंगे प्लीज सर? प्लीज बताइए ना सर, प्लीज। अरे ये तो बहुत गलत सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि अगर मैं बताना शुरू कर दिया ना तो सुबह हो जाएगी, टाइम है आप लोगों के पास। सर प्लीज बताइए ना सर, प्लीज। क्या बताऊँ मेरी वाइफ के बारे में, बहुत मस्त है वो, मतलब वो बिल्कुल मेरे म्यूजिक जैसी है, हमेशा मेरे साथ रहती है, मुझे खुशी देती है, उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। कहते हैं ना, नो लाइफ विदाउट वाइफ। वो जब बोलती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई पोइट्री चल रही हो, जब वो मुस्कुराती है, हंसती है तो ऐसे लगता है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा हूँ। शी इज टू गुड यार। इतना सोना क्यों रब ने बनाया, 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 आवा जावा ते मैं यारा नु मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नु मनावा, इतना सोना इतना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना ओ इन्ना सोना ओ इन्ना सोना इन्ना सोना।
ओके एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक लास्ट सवाल है। देखो मेरी वाइफ मेरा इंतजार करिए, मुझे जाना है। सर प्लीज सर, फ्लाइट है। सर सर एक सवाल सर प्लीज सर। यार मैंने फोन चार्ज क्यों नहीं किया? सुबह से फुग्गी से बात भी नहीं हुई। वैसे अच्छा ही है बात नहीं हुई, सीधे मुंबई पहुंच के उसे सरप्राइज कर देता हूं। डेट से पहले ही खुश हो जाएगी और जब डेट पे जाएंगी तो पागल ही हो जाएगी। आवाज़ आवाज़ मैं यारा नु मनावा इन्ना सोना।